स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर वन से जो आपका कोर सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और उसकी लिपि का इतिहास। इसकी जो यूनिट 3 है, जो उसका खा टॉपिक है लिपि, परिभाषा, स्वरूप एवं आवश्यकता, ये टॉपिक आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको बताना चाहूँगा, आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आपके सामने है। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो भाषा और लिपि का अंतः संबंध, ये टॉपिक हम कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है परिभाषा, स्वरूप एवं आवश्यकता। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं परिभाषा के साथ में। तो किसी भी भाषा को लिखित या स्थायी रूप देने के लिए जिन चिन्हों या लिखित संकेतों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाषा को अगर हम मौखिक से लिखित फॉर्म में लाना चाहते हैं तो उसके लिए लिपि का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लिपि की मदद से किसी भाषा, ठीक है, रामायण, महाभारत, भागवत गीता, यानी कि किसी भाषा को संग्रह किया जा सकता है। अगर हमें लिपि का ज्ञान है, लिपि की मदद से ही हम इन सारी चीज़ों को जो है संग्रह कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये किस में लिखा गया है। और एक लिपि में लिखी गई या लिखे गए पाठ को दूसरे लिपि में बदल दे हैं उसको लिप्यांतरण कहते हैं। ठीक है, कि अगर एक लिपि में लिखा गया है कोई पाठ और उसको अगर हम दूसरी लिपि में बदल कर लिख देते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लिप्यांतरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना पॉइंट कि एक लिपि में अगर कोई चीज लिखी हुई है उसको अगर हम दूसरे लिपि में बदल रहे हैं तो ये लिप्यांतरण कहलाता है। और आगे देखते हैं, लिपि दृश्यमान है, लिपि को देखा जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो भाषा होती है वो मौखिक भी होती है, उसको आप अपने कानों से सुन सकते हैं। भाषा का आधार कान है, यानी कि कानों से सुन सकते हैं। लिपि का जो आधार है हमारी चक्षु है, हमारी आंखें हैं, क्योंकि लिपि को हम केवल देख सकते हैं, लिपि को हम सुन नहीं सकते। और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की एक लघु पुस्तिका के अनुसार, एक पुस्तक की एक लाइन है जिसमें लिखा गया है कि किसी भी भाषा को लिखने की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। कि मान लो कोई भी भाषा है, हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, उसको लिखने की जो व्यवस्था होगी वो लिपि कहलाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं लिपि का स्वरूप, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो मनुष्य ने अपने भावों की अभिव्यक्ति मौखिक रूप में की होगी। अगर हम प्राचीन टाइम की बात करें तो मनुष्य बोलकर अपने भावों को और अपनी अभिव्यक्ति जो भी करता था, बोल चाल करके, मतलब इसी से ही अपने बातों को समझाता था मौखिक रूप से। लेकिन इस मौखिक भावों को सुरक्षित रखने के लिए धीरे धीरे उसे लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया गया। देखो, सुरक्षित कैसे होगा, अगर जो ये रामायण, महाभारत और जो हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, जितनी भी चीजें हैं, अगर ये सब सिर्फ मौखिक में रह जाती तो एक दिन तो ये खत्म ही हो जाती। ठीक है, मतलब हमारे तक तो आ ही नहीं पाती, हम तो लिखित में ही पढ़ते हैं ना उसे। अगर लिखित में ना होती ये सारी चीजें और सिर्फ मौखिक रहती तो जिस इंसान ने भी ये सब चीजें किसी को बोल के बताई होंगी, उसकी मृत्यु के बाद तो वो चीज ही खत्म हो जाएगी वहां पे, क्योंकि वो इंसान ही चला गया जिसने अपने मुंह से बताई थी। उसके बाद वो कैसे दूसरों तक पहुंचेगी चीजें और अभिव्यक्ति। तो उसके लिए लोगों ने उन मौखिक बातों को सेफ, सुरक्षित रखने के लिए लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया अपने भावों को। ठीक है, और मनुष्य ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए और अन्य संकेत चिन्ह बनाए। ठीक है, आपने ये सब पढ़ा भी होगा अपनी पिछली क्लासों में कभी ना कभी, स्कूल टाइम पे, कि मनुष्य कैसे लिपि का इस्तेमाल करता था। चित्र वाली लिपियां बनाता था मनुष्य गुफाओं में। आदिवासी जो लोग होते थे, जो आदि मानव होता था, वो क्या करता था, चित्र बनाया करता था गुफाओं के अंदर और संकेत चिन्ह बनाया करता था। ठीक है, तो इस तरीके से लिपि का धीरे धीरे विकास हुआ है। लेकिन इसमें लिपि के विकास में परिवर्तन होता रहा है। पहले लिपि अलग तरीके से होती थी और अब लिपि अलग तरीके से है। लिपि का मतलब जो विकास हुआ है, लिपि के अलग-अलग रूप थे। सबसे पहले धागा या मतलब रस्सी के गांठ के रूप में भी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। पत्थरों को जोड़कर या इकट्ठा करके भी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था, लिपि का एक रूप था ये। लकड़ी पर रंग बिरंगे धागे लटकाकर भी एक ये लिपि का रूप था। और लास्ट में फिर आकृति अंकित के रूप में भी, मतलब आकृति बनाकर कोई, मतलब शेप बना के कोई भी, वो भी लिपि का एक रूप आया। चित्रात्मक लिपि आपने सुनी होगी। ठीक है, तो ये लिपि के अलग अलग रूप थे और अलग अलग इसमें परिवर्तन आते रहे टाइम पीरियड के साथ साथ। और मानव समाज ने अपने इन प्रारंभिक अनुभवों से पत्थर, लकड़ी, धातु,
मिट्टी के बर्तन आदि पर रेखाएं खींचना शुरू कर दिया था। यानी कि मनुष्य जो है अपनी लिपि जो है धीरे धीरे विकास कर रहा था। पत्थरों पर उकेर के लिखता था मनुष्य, लकड़ी पर लिख देता था, धातु मिट्टी के बर्तन वगैरह पे भी लाइनें खींच देता था मनुष्य। इस तरीके से मनुष्य अपनी बातों को समझाने लगा था दूसरों को। यह लिपि प्रारंभिक मतलब जो शुरुआत में जो लिपि थी वो इस तरीके से ही थी, जो मनुष्य लाइनें खींच देता था इधर उधर, जो आपको समझ में भी नहीं आएंगी अगर आप देखोगे। और हड़प्पा की जो लिपि है वो इतनी रहस्यमयी है कि आज तक कोई उसको समझ नहीं पाया उसमें लिखा क्या है ढंग से। ठीक है, तो आपने जरूर सुना होगा ये भी। और इन्हीं रेखाओं के संकेतों का प्रयोग करने वाली लिपि लेख जो है वो लिपि बनी धीरे धीरे। ये जो अलग अलग संकेत बनाए जाते थे अलग अलग बर्तनों पर पत्थरों पर, यही लिपि का रूप था। और धीरे धीरे परिवर्तित होते होते लिपि का जो वर्तमान स्वरूप है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से। हम आपके सामने जो स्क्रीन पर है ये भी एक लिपि है देवनागरी, और उसमें आप हिंदी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये एक लिपि का रूप है। एक आप उठा लो आदिकाल पुराने टाइम की जो लिपि है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो पुराना उसका प्रारंभिक रूप था। अब लिपि की क्या आवश्यकता है टॉपिक है, तो देखो भाषा और साहित्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, या सीधी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको अपनी बोली हुई चीजों को सेफ रखना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा उन चीजों को, और लिखने के लिए लिपि चाहिए। ठीक है, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता को भी हम लिपि के माध्यम से ही जान पा रहे हैं, वहां की चित्रात्मक लिपि है। कुछ ना कुछ तो हमें हल्का फुल्का समझ में आता है जिससे हम अंदाजा लगाते हैं क्या होता होगा वहां पे। और चिंतन के विकास के लिए भी लिपि की आवश्यकता है। जब हम बोलते हैं तो ध्वनियां कुछ चरणों के बीच लुप्त होती चली जाती हैं, परंतु जब लिखित रूप हमारे सामने आ जाता है तो हम अपने मतलब हम अपने ही बोले हुए को लिखित रूप में दोबारा पढ़ते हैं और उसके विषय में चिंतन करते हैं। अगर हमें किसी चीज को सोच विचार करना है दोबारा से, हमने बोल दी किसी चीज को मतलब अपने मुंह से हमने बोल दिया, वो लिखित में हमारे पास नहीं था, हम दोबारा उसके ऊपर चिंतन नहीं कर पाएंगे, हो सकता है हम भूल जाएं, कुछ वर्ड मिस हो जाएं। लेकिन जब उन चीजों को हम लिख देंगे लिपिबद्ध करके तो उन चीजों को दोबारा पढ़ के हम दोबारा उसके ऊपर चिंतन कर पाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर दोबारा से हम डिस्कस कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए लिपि बहुत जरूरी होती है कि जो मौखिक रूप से जो ध्वनियां बोली गई हैं उनको सेफ रखना। ठीक है, और देखें तो विचार जो हमारे होते हैं, ज्ञान विज्ञान संस्कृति, इन सबको अगर हमें सुरक्षित रखना है तो भी लिपि की जरूरत है। अगर किसी महात्मा ने बहुत पहले अपने विचार शेयर करे अपने शिष्यों के साथ में, वो शिष्य भी मतलब चले गए, मृत्यु हो गई, महात्मा भी चला गया, अब उनके विचार हम तक कैसे पहुंचेंगे? वो तो लिखित में ही पहुंचेंगे। अगर वो बोलने वाले ही चले गए तो हम तक कौन बताता? तो विचारों को सेफ रखने के लिए ज्ञान विज्ञान की अगर बातें हैं, अगर हमें बहुत पहले जो मतलब ज्ञान विज्ञान की बातें पता चली थी, वो आज हम जो पढ़ते हैं किताबों में ही तो पढ़ते हैं, हमें कोई मौखिक थोड़ी कोई बता के जाता है कि ऐसे ये इस तरीके से इसका आविष्कार हुआ था उसका आविष्कार हुआ था। तो ये सारी चीजों को सेफ रखने के लिए लिपि चाहिए होती है हमें। संप्रेक्षण के विस्तार के लिए लिपि जरूरी होती है। अगर हमें कम्युनिकेशन करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ तो हमें लिपि की जरूरत होती है। अगर हमें आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे आपको किसी से चैटिंग करनी है तो आपको लिपि चाहिए ना, कोई ना कोई। हिंदी में चैटिंग कर रहे हो तो देवनागरी लिपि आपको चाहिए। तो जब हम लिखित में कुछ करेंगे तो लिपि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए किताबें विदेशों तक पहुंचती हैं। ठीक है, किताबों में लोगों के विचार होते हैं। अगर वो लोग एक ही जगह, मान लो आप हो, अगर लिपि ना होती, आप बहुत बड़े विद्वान हो, आपने अपने गांव के 10 लोगों को अपनी मतलब जो है अपना ज्ञान बांटा, 20 को बांटा, 100 को बांटा, इससे ज्यादा तो आप नहीं जा पाओगे। लेकिन आप अगर दुनिया के हर कोने तक अपने ज्ञान विज्ञान को और अपने विचारों को पहुंचाना चाहते हो तो आपको किताबों में लिखना पड़ेगा उसे। आज अगर हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम 1 मिनट,